ये हीर की मदर इन लॉ अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आ रही है? कहीं जर्नैल के साथ यही तो नहीं मिली हुई? वैसे दिखती भी बड़ी शातिर टाइप की है। कौन है वहां? ये कैसे गिर गया? शायद पर्दा उड़ने से गिर गया होगा। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहती नहीं है कि कोई उन्हें देखे। हो सकता है मम्मी जी जर्नैल के साथ मिली हुई हो। उन्होंने पहले भी जर्नैल का साथ दिया है। जर्नैल को माफ करते, पुलिस को मत बता। और वो जो वीडियो है ना तेरे पास जर्नैल का, डिलीट कर दे पुत्र। वो गलत है ना? तभी भी मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मम्मी जी ही है। आपको तो मेरी बात पर विश्वास है ना? मैंने खुद जर्नैल को देखा। हीर बस कर जाए, इसके मरे हुए पति की याद दिला रही है उसे। हीर ठीक बात नहीं है ये। तू मेरी बात सुन, तू ना उन पे नजर रख, और अगर तुझे कोई बात पता चले ना तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर। ठीक है हीर, तू स्ट्रेस मत ले, मैं उन पे नजर रखूंगी। हाँ, किस पे नजर रखोगी? बोलिए, किस पे नजर रखोगी? अपनी डाइट पे। पता नहीं मैं पूरी तरह से कब ठीक हो पाऊंगी। देखो ना जीते, अभी भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं डॉक्टर से फोन पे बात कर रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे ना अपने खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और कैलोरीज पे भी नजर रखनी चाहिए। पता नहीं, मुझे ना अपना ख्याल रखना चाहिए। ओ, बिल्कुल नहीं हीर जी, वो आप क्यों अपना ख्याल रखोगे, और मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। एक बात बोलूं, मैं ना दुनिया का सबसे बुरा पति हूं, और पति क्या, और मैं तो वनस्पति हूं, वनस्पति। अब देखो ना, वो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए और मैं काम में लग गया, लेकिन अब नहीं, अब मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से के थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, के थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, के ज्यादा भी हो। थोड़ा थोड़ा प्यार।
हीर जी आपके हाथ तो ऐसे कांप रहे हैं और जैसे आपके हाथ आपके पति ने नहीं वो किसी अजनबी ने पकड़े हो। आप ठीक तो हो ना? चलो कोई बात नहीं, वो आप ना आराम कर लो, मैं कुक को बोल के आपकी डाइट बनवा देता हूँ। Oh God, कहीं ये ने सुन तो नहीं लिया? उसे लगेगा कि मैं उसके हस्बैंड के साथ रोमांस कर रही थी। हीर का क्या मैसेज आया कि जीते की आवाज सुन के मैंने फोन कट कर दिया? Oh God, मतलब हीर ने कुछ नहीं सुना। अभी टाइम गलती करने का नहीं है, अभी टाइम हमारे प्लान के आखिरी पड़ाव को अंजाम देने का है। कौन है ये? कौन हो तुम? कौन हो? मैं तेरी पत्नी हूँ जैस्मिन। क्या कह रही है? पुत्र ये देख, मैं तेरे लिए कितना सारा सामान लेके आई हूँ। ये देख, ये देख, तेरे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े, और मिठाइयाँ, फल, ये सब मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। और मैं क्यों नहीं लेके आऊँ पुत्र? तू मेरी इकलौती बहू है। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों मैं तेरे पे ध्यान नहीं दे पाई ना, इसीलिए परेशान है ना तू? पर परेशान ना हो, अब ना मेरा पूरा ध्यान बस तेरे पे रहना है। ये क्यों कर रहा मैंने सब कर दी? कौन है? गुरमीत ये, चल यहाँ से, चल, गुरमीत, चलो। गूंद के लड्डू खा, काले पुत्र। मम्मी जी वो मेरा मन नहीं है अभी। क्यों है पुत्र? तो गुरमीत की बात को लेके परेशान है? देख पुत्र, तुझे ना उसको लेके परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना वो कैसा है, थोड़ा सा मूडी है, अड़ियल है, लेकिन कहाँ जाएगा, दो दिन बाद यही आएगा तेरे पास। तू बस अपना ख्याल रख और ये खा ले। मम्मी जी वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। कोई गल नहीं, ये सब तेरे लिए, तेरा जब मन करे तब खा लियो। और बस तूने ना हमसे कुछ छुपाना नहीं है पुत्र। क्यों जी? हाँ जी, जस पुत्र, हमने तुझे बहू नहीं, हमेशा अपनी बेटी समझा है पुत्र। इसलिए बिल्कुल ये नहीं समझना कि तुझे अपनी परेशानियों से अकेले लड़ना है। हम तेरे साथ हैं हमेशा, इसलिए पुत्र कभी कुछ मत छुपाना। और हाँ, अपने इस पापा जी की एक बात मान ले, अपनी परेशानियों को अपने बच्चे तक ना पहुंचने देना, क्योंकि तू जितनी टेंशन लेगी ना उसका असर बच्चे पर पड़ेगा पुत्र। अपना ख्याल रख। तो आराम कर ले, ध्यान रख अपना। हाथ से मम्मा आपका अकेले ख्याल रखेंगी। आप देखना मम्मा, मम्मा आपका बहुत ख्याल रखेगी। आपके पापा को ना आपकी मम्मी की चिंता है और ना आपकी, वो तो किसी और के पास है, लेकिन आपकी मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाए, हमेशा आपके पास रहे, हमेशा।
हाँ हाँ तू टेंशन ना ले, मैं मिलूंगी तुझे। ये ओल्ड फॉक्स अपने रूम में दबी दबी आवाज में किससे बातें कर रही है? चित्तू की खिचड़ी पका रही है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ आज ही मिलांगी। फोन रख फोन। सारी मंडली यही डेरा जमा के बैठी हुई है, मुझे देख लिया तो सवाल जवाब शुरू हो जाने। कितने चले हो बहन जी? एक काम करती हूँ, पीछे के रास्ते से चली जाती हूँ, अभी तो किसी ने देखा भी नहीं है मुझे, यही सही रहेगा। पुत्र मैं सोच रही थी कि गुरुद्वारे मत्था टेक आती हूँ, थोड़ा जी काट रहा था मेरा, है ना, दर्शन करूँगी बाबा जी के तो चंगा लगेगा, और वैसे भी मैं सबके लिए अरदास करना चाहती हूँ कि इस घर की सुख शांति बनी रहे। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में अब कोई नया कलेश हो पुत्र। ओल्ड फॉक्स बाहर जा रही है, हीर तैयार रहना। पर तू जाएगी कैसे? ड्राइवर तो है ही नहीं घर पे। कोई नहीं जी, मैं कैब करके चली जाऊंगी। ओले मम्मी जी, मुझे कैब क्यों करनी है? मैं है ना, मैं छोड़ देना। ना ना जीते, मैं चली जाऊंगी। मम्मी जी आप कैब से क्यों जाओगे? वो मैं छोड़ देता हूँ ना। ना ना जीते, मैं कैब से चली जाऊंगी ना। जीता ओल्ड फॉक्स को छोड़ने की जिद कर रहा है। कुछ भी करके जीते को रोक, वरना मम्मी जी जर्नल के पास नहीं जाएंगी। उन्हें नहीं खेचलती की लोड़ है, मैं छोड़ देना ना सच्ची। ओ जीते, अगर मम्मी जी कह रही है कि उनका अकेले जाने का मन है तो जाने देना, और वैसे भी सनी समित के स्कूल के आने का टाइम हो चुका है, तुझे तो पता है आते ही वो तुझे ही ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है हीर, मैं चली जाऊंगी ना, एकदम भली चंगी हूँ, जा सकती हूँ। चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैब तक छोड़ देने बाहर। आ जाओ आज। अच्छा जी, बात बन गई। हेलो। हाँ हीर, हमारा शक सही निकला, मम्मी जी गुरुद्वारे नहीं जा रही है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रास्ते में है। हाय रब्बा, क्या हुआ? वो मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन कौन पीछा कर रहा है? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, कहीं जनेर तो नहीं? यशिका, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ।
इसे क्या हो गया? कौन पीछा कर रहा है? भैया थोड़ा तेज चलाइए। भैया एक काम करिए, आप थोड़ा स्लो चलाइए। ये गाड़ी तो पक्का मेरा पीछा कर रही है, लेकिन ये कौन हो सकता है? अगर ये जनेल है तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? इसे तो मुझ पर यकीन हो गया था। यशिका मम्मी जी का पीछा कर रही है, लेकिन क्यों? आखिर ये चल क्या रहा है? आज अगर इसके चक्कर में मैं मम्मी जी का राज नहीं जान पाई तो पता नहीं ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। पापा जी मैं क्या करूं, कोई तो रास्ता दिखाइए। भैया भैया गाड़ी रोको 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 रोको। मैं बस अभी आई। मैं वेली चेक कर रहा था, वही मम्मी जी का पीछा नहीं कर रही थी। जी बच के निकल गई, तब तो उन्हें जहां जाना था पहुंच भी गई होंगी। I'm sorry यशिका, तूने तो मुझे सही टाइम पे बताया, लेकिन मैं ही मम्मी जी को नहीं पकड़ पाई। वो क्या है ना मेरे पीछे। कुछ मत बोल, अपना फोन चेक कर। मैंने तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी है, फॉलो करके आ जा। मैं तेरे ओल्ड फॉक्स के पीछे ही हूँ। तूने मुझे बताया था कि वो किस तरफ गई है, लेकिन जैसे ही तूने मुझे बताया कि वो तेरा पीछा कर रही है तो मैं गाड़ी से शॉर्टकट लेके यहाँ पहुँच गई, और तेरी सास की कैब मेरे सामने खड़ी है। तू बस जल्दी से पहुँच जा। ठीक है मैं अभी आई। भैया जल्दी चलिए। अब तो मैं मम्मी जी और जनेल को रंगे हाथों पकड़ूंगी। आज इनका ये खेल खत्म। कैब से उतर रही है यशिका, तू उन पे नजर रख, मैं बस अभी आ रही हूं। भैया अब यहां से राइट लेना। अरे आपको लगी तो नहीं? नहीं लगी, तुम जाओ। नहीं लगी, अरे लगी क्या? यहां से लेफ्ट। भैया यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, रुको रुको रुको। कहां चली गई? यशिका क्या हुआ? अरे यार वो अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहां गायब हो गई। मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ी तेज निकली यार तेरी ओल्ड फॉक्स, गायब ही हो गई है। ओह गॉड, कहां गई होंगी मम्मी जी? पर एक बात का यकीन तो मुझे पक्का हो गया है, यही जर्नैल के साथ मिली हुई है और उसकी हेल्प कर रही है। कोई बात नहीं,
आज मम्मी जी बच के निकल गई तो क्या हुआ? तू उन पे नजर रखना, आज नहीं तो कल हमें और एक मौका मिल ही जाएगा। क्या हुआ, किसका मैसेज है? जनेल का, वो मिलना चाहता है। What? Wait a minute. अगर जनेल तुझसे मिलना चाहता है तो ये ओल्ड फॉक्स किससे मिलने आई है? ये जिस पार्टनर की बात कर रहा था वो कहाँ है? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माय माय, बहुत फिल्मी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कि मैं स्मगलर हूँ और शाकाल के अड्डे पे गुंडे के साथ डील करने आई हूँ। तुम्हें मैं गुंडा दिखाई देता हूँ? ओ, बुरा मान गए, लेकिन मैंने खुद को भी तो स्मगलर ही कहा ना। एनीवेज, काम की बात करें। गुड, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जीते को मारने में।